डबोई विधानसभा बैठक के लिए आज सुबह से ही आयोजित किए गए वैसे मतदान की व्यवस्था के भागरूप तमाम राजकीय पक्ष के उम्मीदवारों के साथ हजारों की तलत में मतदार वैसे नागरिकों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर मतदान किया था। वडोदरा शहर जिला में समाविष्ट वैसे डबोई तालुका बैठक के लिए आज महापर्व लोकशाही को मनाने के भागरूप हर एक राजकीय पक्ष के उम्मीदवारों के साथ मतदार वैसे नागरिकों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर मतदान किया था। डबोई विधानसभा के चुनावी प्रचार के पड़गम दो दिन पहले शांत होने के बीच अब हर एक उम्मीदवारों का भविष्य मत पेटी में कैद हो चुका है। ऐसे में त्रिपंखी बने वैसे जंग के बीच अब भाजपा कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ अपक्ष के साथ कौन उम्मीदवार ये बाजी मार लेता है वो 8 दिसंबर को मतगणना के बाद चुनावी चित्र स्पष्ट होगा, जिसके भागरूप आज डबोई विधानसभा बैठक के भाजपा के उम्मीदवार शैलेश मेहता ने अपनी धर्मपत्नी तथा परिवार के साथ वडोदरा स्थित श्री रंग विद्यालय स्थित मतदान किया था। उसी प्रकार से कांग्रेस के उम्मीदवार वैसे बालकृष्ण पटेल ढोलार ने ढोलार गांव से प्राथमिक शाला में परिवार के साथ मतदान किया था, जहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व विधायक सिद्धार्थ पटेल ने भी अपनी धर्मपत्नी के साथ मतदान किया। तो वही अपक्ष के तौर पर अपनी उम्मीदवारी दर्ज करवाने वाले वैसे पत्रकार यूसुफ भाई फातिया द्वारा भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर परिवार के साथ मतदान किया गया। जो ये बैठक पर अब 9 उम्मीदवारों का भविष्य मतदान पेटी पर सील हो चुका है। ऐसे में आज शाम मिली जानकारी के आधार पर डबोई तालुका के लिए मतदान का आयोजन करने के भागरूप कुल मिलाकर डबोई तालुका में मतदान 5 बजे के साथ दर्ज होते हुए 62.34% दर्ज हुआ है। ऐसे में तमाम मत पेटी अब ईवीएम प्रक्रिया को सील करने के साथ अब उसे सुरक्षित स्थल यानी कि मतदान मथक से बाहर लाने के साथ उसे सील करने के साथ आज ये तमाम प्रक्रिया को कैद करते हुए पूर्ण किया गया, जहां अब 8 दिसंबर को मतगणना के साथ चुनावी चित्र स्पष्ट होगा। અને આજે લોકશાહીનું પર્વ જ્યારે ઉજવાતું હોય તો આપણે આપણા મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ। હું આપણા મારફત તમામને કહીશ કે તમારા મતાધિકારનો ઉપયોગ કરો, 100% મતદાન થાય તેવા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ। મતદાન કરશો તો જ મતાધિકારનો ઉપયોગ કરશો તો જ લોકશાહી જીવંત રહેવાની છે, અને લોકશાહી જીવંત રાખવા માટે પણ મતદાન કરવું આવશ્યક છે। જે નેતા ડભોઈના જે મતદાતા એ છે તેમને શું કહેવામાં ડભોઈના લોકો ભારતીય જનતા પક્ષની સાથે છે, શૈલેષ મહેતાની સાથે છે, અને ડભોઈ વિધાનસભામાં ફરીવાર મને વિધાનસભા મોકલવાના છે। સિદ્ધાર્થભાઈ મતદાન કરો, મેં મારા મતદાનનો ના અધિકારનો પ્રયોગ કર્યો છે, મત આપ્યો છે, અને મારી ગુજરાતના સૌ નાગરિકોને મતદારોને વિનંતી કે આજે મતદાન કરો, મતદાન અવશ્ય કરો। એ પ્રકારે આજે મતદાનનો દિવસ છે, લોકોએ મન બનાવી લીધું છે કોને મત આપવાનો છે, અને ખૂબ તકલીફોમાં લોકો છે, ખૂબ સહન કરી રહ્યા છે। હું માનું છું કે જનતા આ વખતે પરિવર્તન માટે મતદાન કરશે। આજે ખાલી મતદાનનો દિવસ છે, કાલે આંકડા માંડીશું। ગુજરાતના બીજા તબક્કાનું મતદાનની શરૂઆત આજ સવારથી થઈ ગયેલી છે, ખૂબ સારું મતદાન થઈ રહ્યું છે, અને મતદાન પણ પરિવર્તન તરફ વળી રહ્યું છે। આજે આ ઢોલાર ગામે મારા પોતાના ગામની અંદર મતદાન કરવા હું આવેલો છું, અને લોકોની પણ પ્રક્રિયા ખૂબ પ્રતિભાવ આપી રહી છે, અને ખૂબ સારી રીતે મતદાન પણ થઈ રહ્યું છે, એ જ બતાવે છે કે પરિવર્તનની લહેર જરૂર આવવાની છે।